मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। सुबह के बज रहे 10:15 और मैं वेट कर रही हूँ नींद की मालिश वाली आंटी आने का, जो कि 10:30 एग्जैक्ट आ जाती है। 5 मिनट बिना रेयरली वो इधर से उधर टाइम करती है, क्योंकि हर बच्चे का जो मसाज का टाइम है ना, वो उसकी फीडिंग टाइम के साथ में अटैच होता है। तो क्या होता है, मसाज से पहले हर बच्चों को मदर्स जनरली 45 मिनट या 1 आवर भूखा रखती है, फिर मसाज होता है, फिर वो खाना खाता है। तो छोटे छोटे बेबीज होते हैं ना, उनका टाइम बड़ा फिक्स्ड होता है, तो अगर मसाज में 10 मिनट भी लेट होता है ना, तो सारा टाइम गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से बेचारी बहुत अच्छे से टाइम जो है वो मैनेज करती है। और आज जो कुक है वो भी जल्दी आके चली गई, 9 बजे आ गई, और देखिए 10:15 तक तो काम भी हो गया और वो चली भी गई। तो जल्दी जल्दी होने से क्या होता है ना, मुझे आराम हो गया एक्चुअली आज, क्योंकि अदरवाइज ना नीव का मसाज स्टार्ट हुआ रहता है और इधर में कुक भी रहती है, उसको कुछ मुझसे पूछना रहता है, तो मैं दोनों तरफ दौड़ रही होती हूँ। इन्हीं में चलिए नीव की रोने की मुझे आवाज आ गई, चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको क्या कर रहा है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा कर दो सबको नीवू। तो ये देखिए, मैंने अब नीव को ना बैंड पहनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैंने पहले ना ट्राई करने के लिए ब्राउन कलर का मंगाया, अभी मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने एक व्हाइट और एक ब्लैक में और भी मंगवाया है, ताकि इसको मैं चेंज करके पहना सकूं। और इसके साथ ना मैंने यहाँ पे क्लिप लगाया है, ऐसे ब्राउन कलर के ना मैंने क्लिप्स भी बहुत सारे मंगाए, मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि इसके ऊपर लगा हूं तो देखने में प्यारा लगे। तो ये वाला मैंने क्लिप्स का सेट मंगवाया हुआ है, मुझे ना अच्छा लगा बहुत, क्योंकि सारे ना ब्राउन कलर्स में, ब्राउन एंड बेजिश, तो कोई भी कपड़े पे चल जाएगा और हर टाइप के डिजाइन लगे मुझे सुंदर सुंदर से। तो ना छोटे वाले जो है ना, कुछ कुछ इसमें बहुत छोटे छोटे से, जैसे ये वाले हो गए, ये सब ना अभी अच्छे से फिट आ जा रहे हैं। कुछ एक लंबे वाले भी हैं जो बाद में काम में आएंगे। ये जो है ना रॉकिंग चेयर, इसके सेम दिखता हुआ ना मैंने ये वाला मंगवाया हुआ है स्टॉल। तो एक ना मेरे पास पहले का था, मैंने लिया था हॉस्पिटल बैग पैकिंग के टाइम पे, मैं ये वाला लेकर के गई थी, आपने शायद देखा होगा। तो मैंने ना एक और मंगवा लिया था बाद में। तो दो रहने से क्या है ना, एक यहाँ ऊपर डाल देती हूँ और एक यहाँ नीचे डाल देती हूँ। तो अगर मान लीजिए कुछ नीव ने स्पिल वगैरह कभी कर भी दिया एक्सीडेंटली, तो सीधा ना इस पर खराबी ना हो। एंड काफ़ी हद तक आप देखोगे तो मैच करता है। वैसे ये जब बिछाती हूँ ना, तो मुझे दिखने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स ऐसा क्लीन रहेगा लुक तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर क्या करेंगे, बचाने के लिए इसको ना मैं ये बिछा करके रखती हूँ। नींबू का बाल इधर से ना खड़ा हो जाता है, तो आज हमने डिसाइड किया है कि इसको पकड़ के अंगद रखेगा और मैं थोड़ा देर तक इसको चिपका दूंगी, है ना नींबू। अभी शार लेके आया है और इसको चिपकाना जरूरी, देखो खड़ा होना स्टार्ट हो गया उधर से, टू गो टू स्कूल, इधर से स्टार्ट हो गया खड़ा होना। बच्चे को तेल डाल के पचका देते हैं ना, हाँ वैसे ही सेम वैसे पचकाना, आगे तो पिचक रहा है पर यहाँ से खड़ा होना स्टार्ट हो गया है। क्यों तुम्हारा बाल खड़ा हो जाता है, उस तरफ का बाल है इसीलिए, वो जो खड़ा है ना ये वाला, हाँ वो उस तरफ जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, हाँ नहीं रे, हाँ देखो कम हुआ ना, पीछे जा रहा है, इधर ऐसे करूँ, हाँ हाँ करेक्ट हो गया, ठीक है, कैसा चिपकू लग रहा है, रुक नहीं वो, रुक चिपकाने दे, चलो कौन सा फर्स्ट क्लास में भेजना है, हाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड में भेजो, उसका लंच बॉक्स पैक करो, बस आ रही स्कूल की, नाखून कटा हुआ है कि नहीं देख, देख लो, देख लो भाई नाखून दिखाना, मैम काट डांटेगी फिर, दिखाओ दिखाओ, गुड बॉय, नाखून भी कटा है। और आपके पेरेंट्स पॉलिश है, शू पॉलिश में शू, हाँ है पॉलिश है, ब्राउन पॉलिश है, बैग में सारा स्टडी बुक्स है तुम्हारे बुक, सोशल स्टडीज का बुक डाला, पेरेंट्स को बोलना पीटीएम मीटिंग में आना है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आना है, हाँ नींबू कैसा चिपकू सा लग रहा है, देखो कैसा चिपकू लग रहा है, क्योंकि ना मैं बैंड पहना रही हूँ ना, तो जो खड़े बाल है वो और खड़े हो जा रहे हैं, और अजीब से जिंगल लाला हु इफेक्ट आ रहा है। और ये बच्चा नहाने के बाद में धीरे धीरे सुस्त हो रहा है, हल्का हल्का सा सुस्ती छा रहा है, थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही है हमको। अब जाकर के मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है कि मैं बैठ के इत्मीनान से आप लोगों से बातें करूं या फिर खुद आराम करूं, भी बज रहे हैं 2:45। तो क्या होता है ना, ये 2 बार जो मसाज वाली आती है ना, इसकी वजह से जो मेरा रूटीन है ना पूरा उसके ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। जैसे 10:30 आएगी, उसके पहले तो चलिए ठीक है नाश्ता कर रहे हैं नींव के साथ में, उसका काम चल रहा है वो सब ठीक है, फिर 10:30 को वो आती है,
उसके बाद ना क्या होता है कि जब नींव का मसाज होता है ना, फिर वो खाना खाता है, उसके बाद में सोता है, तब तक में क्या होता है, लगता है कि अब थोड़ी देर में तो मेरा मसाज होने वाला है 12:30, तो क्या करूं, ठीक है थोड़ी देर उसका वेट कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत घर का छोटा मोटा काम निपटाती हूँ, फिर वो आके जाती हैं तो फिर शार लेती हूँ, फिर तब तक मैं अगेन नींव का खाने का टाइम हो जाता है, फिर उसको अगेन सुलाने का टाइम हो जाता है, फिर खुद लंच करती हूँ, तो ना इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता। कभी कभी लगता है कि यार मतलब थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए इस रूटीन से, पर काम भी ऐसा है जो खुद के फायदे का ही है, मतलब मसाज अगर नहीं लूंगी तो फिर खुद को ही पेन होगा, क्योंकि नींव को उठाने से, गोदी में रखने से यहाँ पे पेन होता है, और वैसे भी लगे रहते हैं ना पूरा दिन, तो अच्छा लगता है मसाज करवाने से, और नींव का मसाज तो जरूरत है ही है। बट हाँ, टाइम का वैसा हो जाता है कि व्लॉग करने के लिए लगता है कि कब इस बीच में मैं कब क्या व्लॉग करूं, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो रूटीन है वो चलता ही रहता है। खैर ऐसा चलता ही रहेगा, मैं अपना मसाज जो है कंटिन्यू करने वाली हूँ, सोच रही हूँ कि जब तक मैं ब्रेस्ट मिल्क फीड कर रही हूँ नींबू को ना, तब तक मैं मसाज लूं, क्योंकि तब तक जरूरी है, आपको पेन रहता है, जैसे आप एक्सप्रेस भी कर रहे होते हो तो उसमें भी मेरा वाला जो है वो हैंड्स फ्री वाला तो है नहीं, आपने देखा है, तो उसको लेकर के बैठना रहता है, और जब मैं खुद फीड करा रहती हूँ ब्रेस्ट फीड से, तब तो लेकर के बैठना ही होता है, तो फिर ये सब में पेन तो होता ही है, तो मसाज अच्छा लगता है, कमर में भी मसाज होता है ना, अच्छा लगता है बहुत ही ज्यादा। सोच रही हूँ कि 6 मंथ तक तो मैं मसाज अपना करवा ही लूं, देखती हूँ, पर फिर लगता है कि यार अभी और चलेगा फिर ये रूटीन और 3 महीने तक, क्या करो ना करो पता नहीं। एनीवेज ना, मैंने ना कुछ मंगवाए हैं बेडशीट अमेजोन से, सोचा आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं याद है कह रही थी कि मुझे इस रूम में ना सिर्फ व्हाइट बेस पे या बेज बेस पे वैसा ही बेडशीट चाहिए, तो ना रूम थोड़ा लाइट सा लगता है, तो मेरे पास उतने है नहीं, जो भी थे ना वो सारे कलरफुल वाले भी बहुत सारे हैं, तो ये 2-3 ही है जो मैं फ्रीक्वेंट आप देखोगे बिछाती रहती हूँ, ड्रायर में सुखाया, फट से सूख गया, सुबह जैसे धो दिया तो उसके बाद 4-5 घंटे में सूख गया, तो फिर वही लगा दिया, या फिर और जो 2-3 है वो चेंज करती रहती हूँ वैसा। तो मैंने 3 मंगवाए हैं, एक तो ना एकदम ही प्लेन व्हाइट मंगवा लिया, वो जो होटल्स में होता है ना एकदम, मतलब कुछ भी डिजाइन इसमें नहीं है, एकदम ही व्हाइट है, तो एक तो ये मंगवाया है। इसका पर्पस तो वैसे रूम साफ सुथरा लगे वो है ही, पर उससे ज्यादा ना नींव का फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए भी बैकग्राउंड मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने एक प्लेन एकदम व्हाइट का मंगा लिया, बहुत ही सस्ता, 350 का कुछ था तो वैसा। बाकी हाँ, बाकी 2 जो है वो मंगवाए हैं, तो एक देखिए सब बेज में लिया है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा इसका डिजाइन, मैं आपको लिंक दे दूंगी इनकेस आप भी देख रहे हो तो, और इसका ना जो है पिलो कवर वो भी मुझे अच्छा लगा डिजाइन। तो एक्चुअली ऐसे कलर टोन में ना पहले भी मैंने 1-2 बार लिए हैं, और बिछने के बाद ना रूम पे बड़ा अच्छा लगता है, थीम पे बड़ा अच्छा जाता है, एंड सुंदर भी है, पैटर्न भी अच्छे हैं, और ये वाला ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसका जो है ना पिलो कवर वो भी देखिए वैसा ही है, थोड़ा सा डार्क तो अच्छा लगता है ना, डार्क पिलो कवर हो तो आपको ऑयल वगैरह का दाग नहीं लगेगा, और ओवरऑल जो बेडशीट है ना वो भी मुझे बहुत ही अच्छा सा लगा। ब्रेस्ट मिल्क जो मैं स्टोर करके रखती हूँ ना फ्रिज में, वो मैं ना ऐसे वाले बैग्स में स्टोर करती हूँ, तो देखिए अगर आपको ना इमीडिएट एक्सप्रेस करके पिलाना है या फिर नेक्स्ट फीड में पिलाना है तो 6 घंटे तक आप बाहर रख सकते हो, तो ऐसे केस में जिस वाले बॉटल में आपने एक्सप्रेस किया है ना उसी में ढक्कन लगा करके आप रख सकते हो। पर अगर मान लीजिए आप पंप कर रहे हो और आपको है कि मैं 10 घंटे बाद पिलाऊं, या फिर 12 दिन तक एक्चुअली आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो ब्रेस्ट मिल्क को, वो खराब नहीं होगा, उस केस में बॉटल में स्टोर नहीं करना चाहिए, आपको ना ऐसे बैग्स में स्टोर करना होता है। तो मैं दिखाती हूँ बैग्स होता कैसा है, 2-3 ब्रांड्स हैं इंडिया में जो ये बैग सेल करते हैं, तो मुझे ये पिजन वाला अच्छा लगा, मैं शुरू से मंगाती हूँ, आई गेस ये मुझे पड़ता है 99 या 100 रुपीज का, ऐसा कुछ होता है, हम लोग एक साथ में ऐसे ऐसे 10 पैकेट्स मंगवा लेते हैं, और इसमें आता है 5 बैग, एक पैकेट में आपको 5 बैग आएगा, एंड ये पड़ेगा 100 रुपए का शायद से, मैं गलत नहीं हूँ, MRP 148 है, पर ये 99 तक में आता है, और मतलब कुछ ऑफर्स में मिल जाता है, और हम लोग एक बार में बहुत सारे मंगवा लेते हैं। तो ये ना ऐसा बैग होता है, ये BPA फ्री कम्प्लीटली सेफ होता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कि ये प्लास्टिक है नहीं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होता है। ये जो लेवल अप का बॉटल देख रहे हो ना आप, ये आया है ब्रेस्ट पंप के साथ में, तो उसके साथ में ये वाला होता है अटैच, तो जब आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो आपको ये यूज करना है, पर फीड कराने के लिए नींव को मैं यूज करना पसंद करती हूँ एवेंट, क्योंकि इसमें क्या है एंटीकोलिक वाल्व्स हैं, फ्लो भी अलग अलग है मेरे पास, ऐसे मतलब मैंने अलग अलग ले रखे हैं, स्लो फ्लो वाला भी है, फास्ट फ्लो वाला भी मेरे पास में है, पर सबसे अच्छी बात ये है कि लव लैब के ये बॉटल में फिलिप्स एवेंट का जो ये है पूरा फिट हो जाता है, देखिए एकदम ही कंपैटिबल है दोनों, जो कि हर ब्रांड्स में ऐसा नहीं होता है। तो अब इसका फायदा यह है कि जैसे मान लीजिए कल जाना है पासपोर्ट ऑफिस, तो कल मैं जब एक्सप्रेस करूंगी तो इस वाले बॉटल में करूंगी, और इसी वाले बॉटल को पैक करके मैं बाहर लेके चली जाऊंगी, वरना क्या होता है ये बॉटल गंदा होता, फिर मैं फिलिप्स वाले बॉटल में डालती तो वो भी गंदा होता,
फिर लेकर के जाती तो एक्स्ट्रा बॉटल हो जाते, पर क्योंकि ये कंपेटिबल है तो बस मैं इसका वाला निप्पल इसमें फिट कर दूंगी और ये वाला लेकर के चली जाऊंगी। तो मतलब बॉटल जो है वो एक दो कम धोने पड़ेंगे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हर ब्रांड का ऐसा नहीं है कि फिक्स हो जाए। तो बॉटल लवलैप का यूज हो जाता है जब कर रही हूँ एक्सप्रेस, और ये वाला निप्पल यूज हो जाता है। और ना ये जो होता है ना इवेंट का, इसमें ना अलग अलग फ्लो आते हैं। जैसे वन मंथ प्लस वाला आप लोगे तो उसमें फ्लो थोड़ा कम आएगा, और थ्री मंथ वाला लोगे तो फ्लो ज्यादा आएगा। तो नीव तो थ्री मंथ का हो गया, तो हमने क्या किया अभी अलग से निप्पल मंगवा लिया है चार। तो पूरा का पूरा बॉटल लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, बस हमने निप्पल परचेस कर लिया, वो इसमें डाल दिया। और बॉटल्स तो अभी जो है वो यही सब काम आ जा रहे हैं, क्योंकि अभी 125 ml से ज्यादा वो कंजप्शन करता नहीं है। तो अब ये सारे बॉटल्स जो है वो 125 ml तक स्टोर करते हैं आराम से। तो ये वाला काम में आ जा रहा है। उठ गया। Yes. ठीक, पापा को ऑफिस खत्म हुआ, सही टाइम पे उठाया। पापा को तंग करो बेटू, पापा को तंग करो। तंग नहीं करता, बहुत अच्छा। देखिए इसका बाल उठ गया ना। यस, कितना चिपकाया था मैंने, एकदम पॉर्क्यूपाइन की तरह सारे उठ गए हैं। क्या किया जाए, जो ये बच्चे का बाल जो है, इस बाल की वजह से ना ये तीन चार कितना दो तीन इंच लंबा लग रहा है। हाँ, है कि नहीं, लंबा लगता है। नीवू तो ठीक हो, क्या किया है बालों के साथ तुमने? तुम्हारा बाल ऐसे क्यों है? इसके स्कूल से कंप्लेन आएगा यार हम लोग को, आपके बच्चा बहुत स्टाइल मारता है। हाँ, जेल लगा के आता है, जेल लगा करके आपका बच्चा आता है, स्टाइल मारता है, करके आता है। मेरे भाई ये तो कुछ नहीं करता है बेचारा, कैसे ऐसा हो गया नीबू? आई थिंक ठीक हो जाएगा धीरे धीरे अपने आप। अभी जो हेड ग्रो होगा ना, जैसे बड़ा बड़ा होगा तब तक तब तक बाल और बड़े हो जाएंगे। yes. फिर हेड ग्रो होगा, बाल और बड़े हो जाएंगे, फिर बाल के वजन से ही नीचे। नहीं यार, फिर तो चोटी बांधूंगी ना। हाँ, फिर एकदम सही हो जाएगा, है ना? ठीक हो जाएगा। नीबू तुम्हारी बात हो रही है? हाँ तुम्हारी बात हो रही है। और ये टोपी कैसे खुल गया है इसका? पता नहीं, नींद में ही खोल लिया इसने, नींद में मतलब झटका मार के निकाल दिया है इसने। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। नीवू क्या देख रहा है पता नहीं। चलिए अंगद गया बनाने के लिए चाय, अब एक कप चाय पियूंगी। पता है मैंने ना कॉफी मशीन को ना सेट किया हुआ है ब्रेकफास्ट वाले बोल रही हूँ, क्रॉकरी यूनिट के ऊपर में। एक दो बार पिया भी बना करके, क्योंकि ना जो भी मेरे पास में कॉफी वाले थे ना वो सारे कैप्सूल्स, वो ऐसा है कि अप्रैल 2024 तक में एक्सपायर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने थोड़ा बहुत पियेंगे तो अच्छा लगेगा। और वो बनाने का भी मुझे टाइम नहीं हो पाता है कि मैं वो बना करके पीऊँ। मुझे इतना अच्छा लगता है कॉफी पीने में, उसमें एक माइसोर नगेट्स करके एक फ्लेवर है, इतना अच्छा फ्लेवर है। ये है कॉफी मशीन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बड़ा ही अच्छा रहता है, बहुत ही सिंपल है इसमें कॉफी बनाना। इसका ना पूरा वीडियो है मेरे चैनल पे, आप सर्च करके देख सकते हो। यहाँ पीछे इसमें पानी भरना रहता है, यहाँ पे ऊपर में डालना है आपको कैप्स्यूल, फिर इसको बंद कर दो, यहाँ पे आपको जो है कॉफी निकल के आएगी। और ऐसे अलग अलग कैप्स्यूल्स है मेरे पास में, और भी पैकेट्स भी है मतलब। तो बस बहुत बहुत ईजी है बनाना, इतना टेस्टी लगता है ना, कॉफी लवर्स के लिए तो मस्ट हैव है। चाय के साथ आज जा रही हूँ बनाने के लिए ये वाला भेल, फटाफट भेल हल्दीराम्स का, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और ना कई बार मैं क्या करती हूँ ना, अगर मुझे थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होता है तो मैं अलग से ना ममरा इसमें मतलब मूढ़ी इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा, तो भी चल जाता है। इसके साथ ना तीन तरह की चटनी आती है, इमली की चटनी, एक तीखी लाल चटनी और ग्रीन चटनी, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसमें ना मैं थोड़ा सा ये घर वाला ममरा ऐड कर दूंगी, मूढ़ी। मेरे को भी देखिए ममरा बोलने का आदत लग गया है, क्योंकि अंगद ममरा बोलता है ना, गुजराती में ममरा बोलते हैं, वरना हम लोग तो मूढ़ी बोलते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मूढ़ी, हाँ इतना काफी रहेगा। तो क्या है कि तीखा भी कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और क्वांटिटी भी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। Oh.
तो देखा ना आपने, यही चलता रहता है हमारे घर में। अगर आप आएंगे ना तो दिन रात जब तक नीबू जाग रहा होता है, हम दोनों में से कोई ना कोई, या फिर हम दोनों साथ में नीबू के साथ में खेलते रहते हैं। और क्योंकि वो रिस्पांस देता है ना, तो इतना अच्छा लगता है। जिस भी आवाज में आप उससे बात करेंगे ना, मतलब जो साउंड में बात करेंगे, वो कोशिश करता है वही वाला साउंड इमिटेट करने का। और ये वो काफी दिनों से कर रहा है। मैंने आज से आई गेस 2 हफ्ते पहले भी एक वीडियो में आपको दिखाया था कि वो हाउ आर यू बोलता है। तो मतलब बहुत जल्दी उसने स्टार्ट कर दिया था ऐसा इमिटेट करना। और अब तो और भी ज्यादा हंसता है, आवाजें निकालता है, पैर हाथ पटकता है, तो बड़ा मतलब मजा आता है। ये जो फेज है ना, इतना एंजॉय करते हैं हम लोग, मैं और अंगद लगे रहते हैं। मतलब हमारे घर में ऐसा हो गया ना कि हम लोग टीवी तो खोलते ही नहीं है। मतलब पहले तो ऐसा था बीच में कि यूट्यूब देख लिया या फिर नेटफ्लिक्स देख लिया, पर अब तो कुछ भी देखने का हमें टाइम नहीं मिलता। बीच में मैंने स्टार्ट किया था कि मैं बिग बॉस देख लूं, पर वो भी टाइम नहीं मिलता है। वो भी एक दो एपिसोड देखे फिर छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग बस इसी में लगे रहते हैं। और अगर वो सो रहा होता है तो अपने जो काम है वो निपटाते रहते हैं, और जब वो जाग रहा होता है तो खेलते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोज को देखते रहिए। बाय बाय।